morning guys, welcome back to Lazy Beggars. मेरे ख्याल में मोर देन मंथ जैसे कहते हैं ना, आज मैंने फिर से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. काफ़ी दिनों के बाद आई वॉज गेटिंग सो लाइक यू नो टायर्ड एजिटेटेड, क्योंकि रिकवरी प्रोसेस का ये पार्ट होता है सर्जरी के बाद का. तो अक्टूबर में तो मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं किया और नवंबर का एंड है जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ जिसे कहते हैं. तो कैसे हो, हाउ आर यू गाइज डूइंग, मिस मी? हाँ तो बस अब 7:30 हो चुके हैं, कंपनी भागते हैं और बाहर की हालत कई दिनों से सही नहीं है. अभी बताती हूँ क्यों. तो लास्ट वीक से जैसे कहते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रखी है, लाइक हर टाइम बारिश होती रहती है. हम तो फिर भी लकी है कि यहाँ पे फ्लडिंग नहीं हुई है, लेकिन कई पार्ट्स हैं जो हैमिल्टन के वहाँ फ्लडिंग हुई है. एंड आई एम लाइक यार कब ये बारिश होगी, क्योंकि इतनी बारिश मैंने हैमिल्टन में पहले कभी नहीं देखी. लाइक थोड़ी देर सूरज आएगा फिर बारिश होने लगेगी, फिर सूरज आएगा फिर बारिश होने लग जाएगी. चलो जाते हैं काम पे, थोड़ा अर्ली निकल रहे हैं क्योंकि सेफ ड्राइविंग. मुझे वेदर ज़्यादा बिल्कुल नहीं पसंद है. आई मीन ठीक है थोड़ी बहुत बारिश है सबको अच्छी लगती है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि जो डार्क एंड ग्लूमी सा वेदर होता है ना, ये मेंटल वेलबींग अफेक्ट करता है लोगों की. ज़्यादा टाइम तक बारिश होती रहे तो लोगों को डिप्रेशन की जैसे फीलिंग आती है. स्टडीज हैं, प्रूवन है, हाउएवर हर कोई अपने हिसाब से देखता है चीज़ें. तो शाम के 6:45 हो रहे हैं और हम लोग घर आ चुके हैं दोनों के दोनों. बारिश भी जा चुकी है और इट्स एक्सपेक्टेड कि अब बारिश नहीं होगी, होप सो. काफ़ी दिन हो गए ढंग से सन नहीं देखा जैसे कहते हैं. किचन भी अब धीरे धीरे यू नो अस्त व्यस्त हो रखी है. भूख लग रही थी तो कैरेट खा, ये खा, वो खा लगनी शुरू हो गई. अभी डिनर की तैयारी भी करनी है. और ये अपने काउच हैं, कुशन को मैंने टॉप पे चढ़ा के रखा हुआ है जस्ट ऐसे ही, नहीं तो वो फ्लैट हो जाते हैं. फिर उसको एयर करो, धो, फिर वो वापस अपनी शेप में आते हैं. थैंका चलो ऐसे ही रख दो. अभी अभी याद आया घर में अनियंस फिनिश हो गया एंड आई थॉट कि मैं सुबह लेती आऊँगी. लाइक सुबह भी मुझे याद था कि आई विल ब्रिंग इट फ्रॉम यू नो ऑन द वे फ्रॉम वर्क, लेकिन भूल गए. अच्छा नहीं लगता यार, लाइक वीकेंड पे एक ही बार शॉपिंग होती है, उसके बाद मैं फिर पूरा हफ्ता शॉपिंग नहीं करती हूँ, तो बीच में जाना अखरता है जैसे कहते हैं, अच्छा नहीं लगता. लेकिन अब घर में कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो हो जाए, तो बल्क में ही लेके आया जाता है. यानी कि 1 किलो प्याज कर देना, आधा किलो प्याज कर देना और रोज़ रोज़ आप जाके शॉपिंग करो सब्जियों की. यहाँ पर इतना ऐसे नहीं होता, यहाँ पर सब एक ही बार कर लेते हैं हफ्ते की हफ्ते, और फिर पूरा हफ्ता नहीं करी जाती है शॉपिंग किसी भी सब्जी फ्रूट वगैरह किसी भी चीज़ की. हाँ जिन लोगों को बाहर खाने की आदत है या डेली बेसिस पे करने की आदत है उनका फिर कुछ कर नहीं सकते हैं. इट इज़ नॉट कॉस्ट सेवी, मतलब कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो यहाँ पर वो सेवी नहीं होता जैसे कहते हैं कि आप रोज़ रोज़ जाके शॉपिंग करो. तो बस अभी लेके आते हैं अनियंस. जैसे जैसे क्रिसमस पास आता जा रहा है टेम्पटेशंस हर जगह मिलती जा रही हैं. मतलब बताओ जैसे कहते हैं सब्जी वाली जगह पर ये चॉकलेट्स दिखा के क्या लालच देने की जगह है, लेकिन यू नो बच्चे हैं वो करेंगे कि ले दो. सभी बच्चे दुनिया में सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी कंट्री हो. आज कुछ आलतू फालतू खाने का मन कर रहा था एकदम यू नो बाहर जैसा, बट घर के अंदर तो बस फिर क्या था, जस्ट फ्रेंच फ्राइज मेक कर दिए थोड़े से, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से. कौन कहता है विदेशों में लाइफ बड़ी आसान होती है, यू नो लोग तो मज़े कर रहे हैं वहाँ पे. तो अभी डिश वॉशर में सामान डाला है, अभी ये भी बर्तन बचे हैं, कुकिंग करने का सारा साफ करा है. इमेजिन करके देखो, सुबह 6:30 बजे उठ के आप तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, काम पे जाते हो. काम भी ईजी नहीं होता है, वर्क मीन्स वर्क ओवर हेयर, यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम. और वेस्ट करोगे टाइम तो ऑब्वियसली बात है दे विल वेस्ट यू आउट ऑफ द कंपनी. फिर वापस आके फिर खाना वाना बनाओ, फिर देखो थोड़ा घर वगैरह देखो. कोई डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं कि वहाँ से आप खाना खा सको. और एवरीथिंग जैसे कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है, लाइक कल की तो न्यूज़ ने हिला के रख दिया कि वर्स्ट जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने अपना OCR इंक्रीज़ कर दिया 4.5%. दिस इज़ वर्स्ट इन लास्ट 20 ईयर्स. ऐसा 20 साल पहले हुआ था, लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ. और 20 ईयर्स से तो मैं भी यहीं रह रही हूँ, तो मैंने भी इतना लोगों को कंसर्न नहीं देखा है. तो ऑब्वियसली आप बाहर जाके खाना नहीं खाना चाहोगे, क्योंकि डॉलर्स गेट आउट ना, वेस्ट होता है मनी ऊपर से. तो हम घर पे ही खाते हैं मोस्टली और बनाते भी घर पे ही हैं. तो यू नो
कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं, कोई कुक नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप ही अपने डोमेस्टिक हेल्प हो, आप ही अपने कुक हो, आपने ही बाहर जाके काम करना है अपना, आपने ही बाहर जाके बिल्स वगैरह सब ये सब सॉर्ट आउट करना है ना। मज़े की लाइफ फिर इंडिया में। नेवर कंपेयर, ऑलवेज अप्रिशिएट करो जो आपके पास है। तो मैं भी कोई कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों के माइंड सेट होते हैं ना, वो तो विदेशों में बैठ के ऐश कर रहे हैं लोग। हम सब के अपने स्ट्रगल्स हैं, अपने जिसे कहते हैं। तो आई होप आपने कुछ लर्न करा होगा नया। अच्छी खासी शाम को धूप आ गई थी। कैन यू गाइज लिसन, बादलों की गड़गड़ाहट, और अभी थोड़ी देर पहले बिजली भी चमकी और बारिश फिर से हो रही है, और अभी हमारे सोने का टाइम हो रहा है। तो इनका यार ये क्या है। आई वॉज होपिंग कि कल चलो लॉन्ड्री कर लेते हैं, यानी कि कपड़े धो लेते हैं, और कल वर्किंग फ्रॉम होम भी है तो सुबह सुबह उठ के डाल देंगे, लेकिन इस मौसम में लग नहीं रहा। सो सैड, आई मीन सी, फिर से सब गीला हो गया यहाँ पे। सब रात के 10 बज गए हैं और आज के लिए इतना ही। ज़्यादा आज व्लॉगिंग नहीं कर पाए, एज आई सेड कि डिसम्बर इज़ अप्रोचिंग, यानी कि क्रिसमस आ रहा है, तो उससे पहले सारे काम सबको निपटाने होते हैं, ताकि सब पीसफुली जो है अपने हॉलीडेज़ बना सके। लॉन्ग वीकेंड्स पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं लॉन्ग हॉलीडेज़ पड़ जाते हैं, तो सब फटाफट फटाफट फटाफट। तो अपने भी यही होता है कि टारगेट्स होते हैं, तो वही तो व्लॉगिंग वगैरह फिर उस समय टाइम नहीं मिलता है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे कल एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, गुड नाइट।